हाय एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट एंड समीर अहमद। आज है 21 फरवरी 2024, वेडनेसडे के दिन है और ये आज हमारी ट्रिप का आखिरी दिन है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको त्रिची से चित्रदुर्गा की रोड जर्नी बताया और कितना टोल टैक्स लगा वो बताया। इस वीडियो में मैं आपको चित्रदुर्गा से मुंबई सेंट्रल तक का रोड जर्नी बताऊंगा और मुझे टोल टैक्स कितना पे करना पड़ा वो बताऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको धनुषकोडी पॉइंट से यहाँ तक मुझे कितना टोल टैक्स पे करना पड़ा और इस पूरे ट्रिप में मुझे कितना टोल टैक्स लगा वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा लंबी जर्नी है, गूगल तो 15 घंटे बता रहा है, देखते हैं कब पहुंचते हैं क्योंकि कल किसी भी हालत में ऑफिस तो पहुंचना ही है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू जर्नी। तो ठीक है, अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने जस्ट होटल से चेकआउट किया है। यहाँ से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कुछ 785 के आसपास गूगल बता रहा है। आई होप कि आज ज़्यादा कुछ ट्रैफिक्स ना मिले मुझे, नहीं तो फिर पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा। मैं अभी NH 48 पे हूँ। एक जगह मैंने बोर्ड देखा एशियन हाईवे 47 भी लिखा था। गोवा यहाँ से 392 किलोमीटर्स और देवनगरी 49 किलोमीटर्स। धारवाड़ यहाँ से 204 है। जो रोड पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसको बेंगलुरु मुंबई हाईवे भी बोलते हैं। आ गया आज की जर्नी का पहला टोल। पुणे अभी भी 520 किलोमीटर्स बता रहा है। हुबली यहाँ से 93 है। सुबह से हम लोगों ने 115 किलोमीटर गाड़ी चला भी ली है। बीच में 5 मिनट्स का थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था मैंने। वैसे तो ये रोड काफ़ी आपको बटर स्मूथ मिलेंगे जैसा मैंने बताया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे काम चालू होने की वजह से डाइवर्जेंस है। तीनों लाइन में ट्रक्स चल रही है। अब जब तक ये ओवरटेक नहीं करेगी तब तक इनके पीछे चलते रहना पड़ता है। स्पेशली जब अगर ट्रक लंबी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ओवरटेक करने। फ्रेंड्स 12:20 हो रहा है। मुंबई अभी यहाँ से 580 किलोमीटर्स पे हैं। जो टोल नाके के बाद 30 से 35 किलोमीटर तक लैंड जो रोड है वो टू लैन रोड है, तो आपको ये रोड थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी आप 6 लेन रोड से डायरेक्ट 2 लेन रोड पे आ रहे हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए।
नाम ले रहा है तू अभी यहाँ से बेलगावी सीधा है, कोल्हापुर सीधा, मुंबई सीधा, धारवाड़ के लिए आपको यहाँ से राइट लेना है। दैट मीन्स हम धारवाड़ पहुँच गए हैं। 30 से 35 किलोमीटर टू लेन रोड पे ड्राइव करने के बाद आ गए हम लोग एक बार फिर सिक्स लेन हाईवे पे। नहीं, ये रोड पे तो डाइवर्जन अभी बहुत है। आगे एक और टोल प्लाजा है, 115 बता रहे हैं यहाँ पे कार का टोल है, और ये टोल का नाम है अशोका बेलगाम धारवा टोलवे। तो फ्रेंड्स अभी 2:10 बाकी है और थोड़े टाइम पहले हमने बेलगावी सिटी है उसको बाईपास किया है। धारवाड़ से लेके बेलगावी तक अगर रोड कंडीशन की बात करें तो रोड एकदम अच्छे हैं, 6 लेन हाईवे आपको मिलेगा, अच्छी तरह से रोड्स बने हुए भी हैं, तो आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इंजॉय करेंगे ड्राइविंग। मुंबई का डिस्टेंस 483 है यहाँ से और पुणे 331 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब बेलगावी सिटी आप जब क्रॉस बाईपास होती है उसके बाद आपको डाइवर्जन्स बहुत मिलेंगे। ऐसे तो आप बेंगलोर से आप आते हो बेलगावी तक तो एक कुछ डाइवर्जन्स वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ कम है। अभी देखो ये बेलगावी सिटी बाईपास की हम लोग ने, उसके बाद से यहाँ तक 3 से 4 बाईपास हम लोगों को मिल गए। आ गया आज का एक और टोल प्लाजा, इसका नाम है हट्टारगी टोल प्लाजा। चार में 10 कम हो रहा है और अभी हम लोग निपानी क्रॉस कर रहे हैं। इतने सारे डाइवर्जन्स हैं, बाप रे बाप। एक्चुअली ये रोड का काम चालू है तो वो तो अच्छे के लिए होता है लेकिन अभी फिलहाल डाइवर्जेंस की वजह से स्पीड पे काफ़ी असर पड़ता है। देखो अभी ऐसी कंडीशन है हाईवे की, डाइवर्जेंस एक रोड में दो ट्रैफिक किए हैं,
या बोल सकते हैं एक लाइन में दो ट्रैफिक प्लस स्लो मूविंग व्हीकल्स। नोली टोल प्लाजा स्वागतम महाराष्ट्र राज्य आपले स्वागत करीत आहे। ये हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री कर लिए। तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया, अब हमारा महाराष्ट्र आ गया। कोल्हापुर यहाँ से भी 9 किलोमीटर है, बस सतारा 134 है यहाँ से। चार बज के 30 मिनट हो रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं कोल्हापुर, और यहाँ से अभी मुंबई का डिस्टेंस वो अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स बता रहा है। एक्चुअली क्या है कि आप जो मैंने बताया ना, बेलगावी सिटी से आप जैसे आगे आओगे तो बहुत सारे रोड का काम चालू है, तो डाइवर्जेंस बहुत है, प्लस स्लो मूविंग व्हीकल्स है, प्लस जगह छोटी हो जाती है तो आपकी गाड़ी को स्पीड नहीं मिलती, तो अब तक और गाड़ी आगे तक निकल गई होती। एक बार ये रोड का काम हो जाएगा ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए रास्ता छोटा होने से क्या होता है, ये एक साइड तो पूरा ट्रक लोग कैप्चर कर लेते हैं, दूसरे साइड पे ये बाइक वाले और ये ऐसे थ्री व्हीलर्स वाले आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कहाँ गाड़ी चलाऊं। तो अभी 6:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुंच गए सतारा। यहाँ से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स का है। देखो पुणे 109 और मुंबई यहाँ पे ऐसे तो 271 दिख रहा है, लेकिन जो मैप हमने लगाया उसमें थोड़ा कम दिखाता है।
तो ये हम लोग सतारा में है। तो देखो सतारा में ऐसा स्पेशल सतारी कंदी पेड़ा ऐसा लिखा हुआ था, तो हम लोग चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो देखो मैंने लिया है, अब इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। अच्छा तुम लोग देखो सुबह 8:40 हो गया है, हम लोग पहुंच गए हैं किर शिवा वो टोल प्लाजा पे। ये टोल नाके से मुंबई का जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो 175 का है। तो अभी 9:30 का वक्त हो रहा है, अभी हम लोग पहुंच गए हैं पुणे। बस अभी थोड़े देर में मुंबई पुणे एक्सप्रेस से लग जाएगा। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे, लिखा भी है मुंबई भैया मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे लिखा है। देखो वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस वे। आ गया मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का टोल नाका। एक्सप्रेसवे पे भी रोड का काम चालू है, तो आप लोग गाड़ी थोड़ा नाइट में अगर आ रहे हो तो ध्यान से चलाइए। फ्रेंड्स मेरी साउथ इंडिया जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी 12:30 का वक्त हो रहा है, मैंने गाड़ी कार पार्किंग में पार्क कर दी है। मैं भी आपको बताता हूँ कि धनुषकोडी पॉइंट से मुंबई सेंटर तक कितना किलोमीटर गाड़ी चली और कितना गाड़ी ने माइलेज दिया, और इस ट्रिप में टोटल कितना किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और ओवरऑल मेरी गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। धनुषकोडी पॉइंट से मुंबई सेंट्रल तक जो गाड़ी चली है वो है 1665.9 यानी 1666 किलोमीटर धनुषकोडी पॉइंट से मुंबई सेंट्रल, और गाड़ी ने मुझे माइलेज दिया 20.6। और इस ट्रिप पे जो मेरे टोटल जो गाड़ी चली है वो है 4356 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी ने इस पूरे ट्रिप में जो माइलेज दिया है वो है 19.2 किलोमीटर। तो चलिए फाइनली बात करते हैं टोल टैक्स की। देखिए आज के दिन जो मेरी गाड़ी चली है वो चली है 790 किलोमीटर, और जो टोल टैक्स मुझे आए वो टोटल 14 टोल टैक्स आए आज के दिन। और मैंने फास्टैग अकाउंट चेक किया तो मुझे पता चला कि जो टोल मुझे आज पे करना पड़ा वो 1380 पे करना पड़ा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पूरे ट्रिप पे मेरे को कितना खर्चा आया, जैसे टोल टैक्स है, होटल है, फूड पे कितना खर्चा आया, वो मैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो मुझे आप अब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।